Hi guys, this is day 2 और हम अभी शाम में निकले हैं शॉपिंग के लिए. आज हम दूसरे इवेंट में जाने वाले हैं एंड उसके लिए हमने कुछ आउटफिट्स डिसाइड किए हैं, कॉमन आउटफिट्स, एंड उसके बाद हम इवेंट में जाएंगे. आज हमारे व्लॉगर बाबू डे 1 का एडिटिंग कर रहे हैं, सो हम उनको छोड़ के ही निकल गए. आज हमने पूरा दिन बस ब्रेकफास्ट करके गेम खेलने में निकाल दिया. स्क्रिबल खेल रहे थे हम सब. सो गाइस, ऐसे कॉस्ट्यूम्स के, डांडिया के ऐसे शॉप बहुत सारे हैं ऑल द वे राउंड, लाइक फूल वगैरह बहुत लाइन से दिखेंगे आपको. सो गाइस, अभी हम यहाँ पे आए हैं, पंजाबी स्टोर एंड ड्रेस वाला है, यहाँ पे स्टेशन के गेट के सामने ही है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गर्ल्स के लिए चनिया चोली और बॉयज़ के लिए ऐसे जैकेट्स वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े अवेलेबल है, तो आप यहाँ से रेंट से कपड़े ले सकते हो. सो गाइस, अभी हम जस्ट वो दुकान से बाहर निकले थे एंड हमें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था और वो अंकल ने हमको लिटरली फ्रस्ट्रेट दुकान से ऐसे हकाल दिया गया है हमें कि भाई इनको कुछ पसंद नहीं आ रहा, इनको जैसे भी करके दुकान से निकाल दो एक बार का. गजब बेइज्जती है. तो यहाँ पे हम अंकलेश्वर में आए हैं दाबेली खाने के लिए और भैया अभी फटाफट दाबेली बना के तवे पे लगा रहे हैं. भैया अपने दुकान का नाम क्या है? जिगना कच्ची दाबेली ये दुकान का नाम है. यहाँ पे आप देख सकते हो भैया ने कितनी सारी दाबेली ऑलरेडी लगा के रखी है. और यहाँ पे ये तीनों दाबेली ठूसते हुए, कैसी है दाबेली भाभी? दाबेली कैसी है? बढ़िया. सो गाइस, हम लोग अभी यहाँ आए हैं पानीपुरी खाने. भैया कितने फ्लेवर है आपके पास? कौन से? बिरयानी, रजवाड़ी, लहसुन, पुदीना, आजमा और रेगुला. अच्छा, हम अभी कौन सा ट्राई कर रहे हैं? मुझे पुदीना ट्राई करना है. मैं सारे फ्लेवर ट्राई करने वाला हूँ. सो विल शो यू. ये कौन सा? ये रेगुला. ये ये वाला तो अभी
अभी हम लोग गार्डन सिटी जो कि अंकलेश्वर का सबसे बड़ा पंडाल है गरबा डांडिया खेलने का, उधर की टिकट्स लेने जा रहे हैं। कल हम लोग रोटरी क्लब गए थे जो कि बहुत ही अमेजिंग था, बट गार्डन सिटी जो है वो पूरे अंकलेश्वर का सबसे बड़ा पंडाल है, तो वहाँ की टिकट अभी पहले लेने जा रहे हैं, फिर हम घर जाके वापस रेडी होके आएंगे क्योंकि यहाँ की टिकट्स खत्म हो जाती है। अभी हमें पता नहीं हमें टिकट मिलेगी कि नहीं क्योंकि आज वीकेंड है, सैटरडे है और टिकट मिलना भी मुश्किल है, बट वहाँ जाके देखते हैं टिकट मिलता है कि नहीं। सो अभी गार्डन सिटी के पासेस हमने ले लिए हैं, ये कार्ड के जैसे है, ये जैसे नॉर्मल कार्ड रहते हैं स्मार्ट कार्ड वगैरह वैसे है, और 300 रुपीज़ पर टिकट मिला है हमें। हमने VIP का ट्राई किया बट VIP फुल हो चुका है, वो अभी अवेलेबल नहीं है, सो हमने नॉर्मल पासेस ही लिए हैं। 300 रुपीज़ की सिर्फ एंट्री है, एक बार आप अंदर चले गए तो आपको बाहर आने नहीं देते, अगर आप बाहर आ गए तो वापस अंदर जाने नहीं देंगे, खाने पीने के सब अंदर ही है। ये पूरा अभी थोड़ी देर में फुल हो जाने वाला है। 1 hour later. गार्डन सिटी के बाहर आके यहाँ पे बहुत सारे झूले गुब्बारे और इस साइड पे ना खाने वाला ऑप्शन भी है, बहुत सारे स्टॉल्स है खाने के, सो अभी हम खाना एक्सप्लोर करने जाएंगे, वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हो जाके देखते हैं एक बार। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी है, वो घूमने वाला और मिक्की माउस का झूला है। आई बोने
चश्मा चप्पल चप्पल अंदर तो गाइस दिस इज एन एंड टूर डांडिया एंड गरबा नाइट्स। हम लोगों ने पूरा खेला, बहुत मजे किए, बहुत सारे रील्स बनाए, फोटोज वीडियो सब क्लिक किए। हाउ इज इट शिवम, कैसा लगा तुम्हें? बहुत अमेजिंग। और हमें बहुत ज्यादा मजा आया। एंड गरबा और डांडिया खेलना एक बार गुजरात जरूर विजिट करो। अब हमें लग रहा है कि हम हर साल शिवम के घर पे ही आके गरबा खेलने वाले हैं। बट दैट्स अ रैप फॉर अस गाइस फॉर डांडिया एंड गरबा। एंड अभी हम कल जो है थोड़ा सा अंकलेश्वर या फिर कोई और जगह एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस गाइस। हैप्पी नवरात्रि गाइस। हैप्पी नवरात्रि।